मेरे भक्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही शक्तिशाली स्त्री वशीकरण टोटका बतलाने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने घर में ही बैठे किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों को ही कर सकता है। इससे किसी के सास ससुर ननद भौजाई को भी वश में कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि यकीन मानिए, सिर्फ एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। मेरे भक्तों, मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने इससे प्रयोग में वशीकरण किया है, सबका वशीकरण सफल हुआ है। मेरे भक्तों, दूर दूर के भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं यहाँ पे, मैं उनको सबसे ज़्यादा इसी वशीकरण से मैं सबसे ज़्यादा वशीकरण करता हूँ और सबका वशीकरण सफल हो जाता है। जो काली मिर्च होता है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, जो काली मिर्च होता है इसी से मैं आपको वशीकरण करके बताऊंगा। 7 काली मिर्च से आपको वशीकरण करना है, और कैसे करना है, आसान सा उपाय है। उसके बाद में कोई भी लड़की हो, चाहे वो आपको जानती हो ना जानती हो, बस उसके बाद में आपके प्यार में एकदम दीवानी हो जाएगी, मदहोश हो जाएगी, ट्रपने लगेगी, एकदम बेचैन हो जाएगी आपके लिए। मेरे भक्तों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है। प्लीज़, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। और बेल घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो आइए बतलाते हैं कि आपको 7 लवंग से कैसे किसी भी लड़की को या शादीशुदा महिला को अपने प्यार में पागल करना है। मेरे भक्तों, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि संभोग स्त्री वशीकरण कैसे किया जाता है, कि कैसे करेंगे कि कोई भी लड़की हो या महिला हो आपके बेड पे आपके पास आने के लिए बेचैन हो जाएगी, आपके साथ सोने के लिए बेचैन हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले बता दें कि स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण और लड़की है, कैसे उसको, छोटी उम्र की लड़की है या शादीशुदा महिला, उसको कैसे अपने वश में करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको 7 काली मिर्च लेना है। ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये काली मिर्च है, ठीक है ना, ये काली मिर्च है। आपको क्या करना है, 7 काली मिर्च लेना है। और करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन दोपहर का जो समय होता है, 12 बजे के जो दिन ढलता है उस समय, ठीक 12 बजे उस समय आपको, आपने बहुत सुना होगा कि जितने भी भूत प्रेत होते हैं, जादू टोना, जितने भी शक्तिशाली जो काम होते हैं, वो दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे ये सब ज़्यादा जगता है और सुनने को मिलता है। तो इसी प्रकार से ये जो वशीकरण टोटका है, 12 बजे से मैं स्टार्ट करना आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक 12 बजे दिन में आपको करना है क्या, 7 क्या करना है आपको, काली मिर्च लेना है। 7 काली मिर्च लेने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको अपने सर से 21 बार घुमा ले। 7 जो काली मिर्च है इसको अपने सर से 21 बार घुमा ले। 21 बार घुमाने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको अपने जहाँ पे सोते हैं तकिए के नीचे रख ले। दिन में आप नहीं सोइएगा, लेकिन तकिए के नीचे इसको रख लीजिए, तकिए के नीचे इसको रख लीजिए। उसके बाद में जैसे ही रात्रि के 9 बजेगा, उसके बाद में आपको करना क्या है, इसको अपने तकिए से निकालना है। खाना पीना खाने के बाद में, या खाना खाए या ना खाए कोई बात नहीं है, लेकिन 9 जैसे ही बजे रात्रि के, इस 7 क्या करना है, काली मिर्च को निकालना है। काली मिर्च को निकालने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और कहीं भी दिक्कत लगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 7 काली मिर्च को वहाँ से निकालना है। निकालने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, एकांत जगह में बैठ जाना है, शांत जगह में बैठ जाना है। उसके बाद में क्या करना है, काली मिर्च को क्या करना है, अपने दाहिने हथेली में इस प्रकार से रख लेना है और मुट्ठी को बंद कर देना है। मुट्ठी को बंद करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ध्यान दीजिए, अपने सर पे इस प्रकार से इस मुट्ठी को रखना है जिसमें कि काली मिर्च है। उसके बाद में आपको करना क्या है, उस लड़की का चेहरा अपने मन में बसाना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, जिसको अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, मदहोश करना चाहते हैं, उसका चेहरा अपने मन में बसाना है। और उसके बाद में इसको क्या करना, अपने हथेली को क्या करना, अपने सर पर इसी प्रकार से रखना है जिसमें 7 काली मिर्च है। उसके बाद में करना क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, उस लड़की का नाम अपने मन में लेते रहना है।
करीबन आपको आधे घंटे तक ऐसा करना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, इस जो काली मिर्च है, जो सातों काली मिर्च है, इसको क्या करना है, मुट्ठी को कोनना खोलना है। उसके बाद में खोलने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठा ठा श्रीम सा, ठा ठा श्रीम सा, बस यही शब्द आपको बोलना है सात बार। और उसके बाद में इस काली मिर्च पे फूंक मार देना है, और फूंक मारने के बाद में उस लड़की का सात बार नाम ले ले जिसका पुष्टिकरण करना चाहते हैं, जिसका चेहरा अपने मन में बसाए, उसको वश में करना चाहते हैं, उसका सात बार नाम लिखकर इस पे क्या करे, सात बार फूंक मार दे। उसके बाद में इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्त, इस सातों काली मिर्च को जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसके छत पे, छप्पर पे, किसी भी बहाने से किसी तरह से फेंक दीजिए। जैसे उसके छप्पर पे फेंक दीजिएगा, उसके सर पे बस आपके नाम का भूत सवार हो जाएगा, उसके दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार भर जाएगा, एकदम आपके लिए बेचैन हो जाएगी, हर पल पल आपको प्यार करेगी, एकदम बेचैन हो जाएगी आपके लिए, आपसे मिलने के लिए खुद आएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। मेरे भक्तों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद मेरे भक्तों।